बटेस ना, क्या हाल है? महीना हो गया यार बटे, तेरा कोई ब्लॉग वगैरह अभी तक अपलोड नहीं हुआ, अभी तक कोई हमें नज़र नहीं आया तेरा चेहरा। छोड़ वोड़ तो नहीं थी ब्लॉगिंग? है खैर तो है सब? हाँ अब्दुल्ला, किधर गई तेरी व्लॉगिंग यार? तू तो वीडियोस बना रहा था। खैर है, वीडियोस आ नहीं रही तेरी। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सारे ठीक हैं? तो आज की वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि मैं पिछले एक महीने से किधर था, या मैंने पिछले एक महीने से वीडियो अपलोड क्यों नहीं की। तो अगर वीडियो शुरू कर ली है तो देख लें, और अगर नहीं मूड तो भी देख लें, कुछ ही मिनटों की बात है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एक महीने से मेरे दिन दो तरह के गुजरते हैं। पहला ये था कि हम सुबह से उठ के तैयार शैर हो के नाश्ता वगैरह करके अपनी बाइक पे किक मार के हम ऑफिस की तरफ जामगन हो जाते थे। ऑफिस सारा काम शाम करके हम आ जाते थे वापस घर शाम को। ऑफिस के बाद फिर आगे हम अपने बिस्तरे पे लेटते थे, और लेटते साथ ही आ जाता था कि यार कल तो पेपर है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल इकनॉमिक्स का पेपर है। फिर मैं जाके किताबें लेके आता था, बुक रिलेटेड, ग्रामर, पास्ट पेपर्स, जो जो हेल्पिंग मटेरियल था, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। हाँ, फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था, और जितना मेरे से पढ़ा जा सकता था, जितना 3, 4, 5, 6 घंटों में एक आम इंसान की कैपेसिटी थी पढ़ने की, उतना पढ़ के हम। ये तो था पहला दिन। और जो दूसरी टाइप का दिन था, वो मेरा दिन कुछ इस तरह था कि तो आज मेरा पेपर है और मैं पेपर देने जा रहा हूँ। तो दूसरा दिन मेरा कोई इतना ख़ास था नहीं। दूसरे दिन मैं बस दूसरा टाइप का जो दिन था उसमें 8, 9, 10 बजे उठता था, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, फिर मैं पेपर देने निकल जाता था। पेपर देने मैं निकलता था 1 बजे, पेपर मेरा होता था स्टार्ट 2 बजे। 2 बजे से लेके 5 बजे तक पेपर में जितना आता था लिख लेते थे, 5 बजे वो पेपर दे के हम घर आ जाते थे, और घर आके सो जाते थे, या फिर दिल होया तो पढ़ लेते थे। लेकिन भाई अब ये बात भी नहीं है कि इन पिछले एक महीने से मैंने कभी कोई गैदरिंग नहीं की, या मैं कभी कहीं घूमने नहीं गया। मैं घूमने भी गया था, मैं बिसा वाटरफॉल एक और दफ़ा गया था, इस व्लॉग लास्ट व्लॉग जो है मेरा ये वाला, इसके अलावा भी मैं गया। तो उसके बाद हमारी दोस्तों की गैदरिंग भी हम करते थे, रात 10 से 11 बजे तक हम बैठते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की नीयत पे ही उसका सारा अमल होता है। तो अगर आपकी नीयत ही नहीं, मेरी असल में कह सकते हैं नीयत नहीं थी व्लॉग बनाने की, तो व्लॉग नहीं आया। तो अब नीयत भी है, इंशाल्लाह टाइम भी है, और इंशाल्लाह व्लॉग भी आएंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।